एमडीएच मसालों के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी नहीं रहे। 99 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वे कभी तांगा चलाया करते थे और एक सवारी के दो आने मिलते थे। आज उनकी कंपनी 100 देशों में मसाले एक्सपोर्ट करती है। उनके बेटे सारा काम संभालते हैं और 6 बेटियां डिस्ट्रीब्यूशन का काम। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता महाशय चुन्नी लाल और माता चनन देवी बहुत ही धार्मिक और आर्य समाज थे। धर्मपाल ने 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने से पहले स्कूल छोड़ दिया था और पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाने लगे थे। उनके पिता भी मसालों की दुकान चलाते थे। शुरू में धर्मपाल जी ने शीशे का कारोबार किया, पर वह नहीं चला। इसके बाद उन्होंने कारपेंटर का काम किया, साबुन बेचे, हार्डवेयर की दुकान की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। आखिरकार उन्हें पिता की दुकान पर ही आना पड़ा। उनके पिता की दुकान का नाम था महाशया दी हट्टी और वो अपने देगी मिर्च के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। देश के विभाजन के समय उन्हें भारत आना पड़ा। उनका घर, व्यापार और सब कुछ पाकिस्तान में ही रह गया। अपनी जन्मभूमि से वह दूर अमृतसर आए और नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन उस समय अमृतसर में रहना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। परिवार से विचार विमर्श करने के बाद वे दिल्ली के करोल बाग आकर बस गए। 27 सितंबर 1947 को जब वे दिल्ली पहुंचे तो उनके पास केवल 1500 रुपये ही थे। 500 रुपये में से 650 रुपये का उन्होंने एक तांगा खरीदा और न्यू दिल्ली स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से बड़ा हिंदू राव तक उसे चलाते थे। बाद में उन्होंने छोटे लकड़ी का खोखा खरीदा और अपने पारिवारिक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने इस दुकान का नाम महाशया दी हट्टी देगी मिर्च वाले रखा। शुरू में वे खुद मसाले पीसते और पैकेट बनाकर बेचते थे। कुछ ही समय में वे लोगों के पसंदीदा बन गए और फिर उन्होंने चांदनी बाग में एक और दुकान खोल ली। 1959 में उन्होंने कीर्ति नगर में अपनी पहली फैक्ट्री खोलकर महाशया दी हट्टी को एमडीएच नाम का एक ब्रांड बना दिया। धर्मपाल जी ने अब तक इतने पैसे कमा लिए कि मशीनें लगवा सके। उन्होंने मसाले पीसने और पैकेट बनाने तक के लिए मशीनें लगवा ली थी। खास बात यह है कि उन्होंने एमडीएच के प्रचार के लिए कलाकारों और मॉडल को हायर नहीं किया, बल्कि खुद को ब्रांड का फेस बनाया। वे खुद विज्ञापन करने लगे और इस तरह एमडीएच दुनिया में मशहूर हो गया।